नमस्कार, मैं नूत त्रिपाठी, वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूं, आप भी कहीं ना कहीं दिल को पकड़ लेंगे। जिला संभल में चार बहन दो भाई, एक मुस्लिम बच्ची, और कहीं ना कहीं उसी के परिवार का हो सकता है, या हो सकता है कि कोई बहुत करीबी हो, कोई भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। उस बेटी ने मुझसे संपर्क करने का प्रयास किया। उसने बताया कि हमारा नंबर उसे थाने पर मिला। पूछने के बाद पता चलता है कि किसी ग्राम प्रधान ने दिया है। तो यदि ऐसा हुआ है तो यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है जिसने भी हमारा नंबर उस बहन को दिया। उसकी जो तकलीफ, उसने दो बार तीन बार फोन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कॉल बंदे उठाते हैं, हमारा पर्सनल नंबर हर किसी के पास तो नहीं है, लेकिन जब मैंने इसीलिए कहा कि जब आपका कभी आपको बहुत इमरजेंसी हो तो हमेशा व्हाट्सएप पे आइए, व्हाट्सएप पे आएंगे आपकी, तत्काल हम खबर लेंगे। लेकिन कॉल उठाना मेरे लिए नामुमकिन है क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, इसलिए व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए अगर कोई आपकी इमरजेंसी है। उस बेटी के द्वारा, उस बहन के द्वारा मैसेज किया गया कि भैया प्लीज कॉल मी, मैं बहुत परेशान हूं। फोटो और वीडियो देखकर मेरा दिल रो दिया, सर फटा हुआ है, चोटें आई हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वहां के डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट फर्जी बनाई। मैं उस डॉक्टर को बोलना चाहता हूं कि यदि इस तरीके का कृत्य आप पैसा लेकर करते हैं तो कभी आपकी संतानें सुखी नहीं रह सकती। सामने मेडिकल हो रहा है, घाव इतना बड़ा दिख रहा है, चाकू से हमला किया गया है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट गंदा निकाल दिया गया, नॉर्मल निकाल दिया गया। उसके बाद थाने में तुबिका 2 महीने से दौड़ रही है, थाने पर भी सुनवाई नहीं हुई। बाद में पता चला कि वो जब सीओ के पास पहुंचती है तो वहां से शायद कुछ आदेश होता है। तो मैंने जब उस बहन की बातों को सुना तो बड़ा कष्ट पहुंचा। मैंने तत्काल दरोगा से बात किया, उन्होंने बताया है कि महोदय मैंने चार्जशीट लगा दी है, 308 लगा रखी है, जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा। तो आखिर अभी तक क्या होता रहा 2 महीने तक? एक सवाल तो बनता है कि अगर कोई पीड़ित है, अगर उसका उसके माँ बाप नहीं है तो क्या उसका उसकी मदद नहीं की जाएगी? क्या शासन प्रशासन उसकी नहीं सुनेगा? क्या वो छोटी बच्चियां हैं तो इसलिए नहीं सुनेगा? हमारे देश में एक जगह नहीं, कई जगह पर ये सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाएं होती हैं। लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं, लोग थानों पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती, क्योंकि अपराध को छुपाने का कार्य किया जाता है, क्योंकि FIR करेंगे तो वो सो हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? धारा 151 चला करके अपराधी को छोड़ दिया जाता है, कल को वही अपराधी जब घटना घटित हो जाती है वो कर देता है, तब इसका जिम्मेदार फिर कौन है? लेकिन उस बहन को भरोसा दिया है मैंने कि वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया के अगर शरण में आए हैं आप, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको इंसाफ दिला सकें और अपराधियों को जेल भिजवा सकें। मेरा प्रयास जारी है। आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप भी सच के साथ हैं और ऐसी बहन बेटियों के साथ हैं जिनके साथ दरिंदगी की जाती है, तबरेज नाम का कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा इसके सर पर प्रहार किया गया, इसे जबरदस्ती छेड़खानी करने का प्रयास किया गया, घर में अकेली थी,
इतना सब होने के बावजूद भी वहां का प्रशासन ट्रस्ट से मस नहीं हुआ। उसका कहना है कि जब मैं बोलती हूं तो वो लोग कहते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि तुमको हम जेल में डलवा देंगे अगर ज्यादा उलरोगे। क्यों भाई डलवा दोगे? अब वो हमारे पास में अगर आई है तो मैं बोलना चाहूंगा उन अपराधियों को भी और थाने वालों को भी, अपराधियों से कहना चाहूंगा कि पैसे की अगर रुवत दिखाते हो कि हम पैसा भर के बच जाएंगे तो हम भी आपको चैलेंज देते हैं कि आप पैसा नहीं जो मना है वो आप भर के देख लीजिए। इस बार इनको इंसाफ दिलाने की जिम्मा वाई साहब के 24 मीडिया लेता है, क्योंकि सदैव यह चैनल व्यक्ति के हक और अधिकार के लिए बात करता है। हमारा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का भी कोई हमारा भाई बंधु होगा संभवतः यह चैनल उसकी मदद करने का प्रयास करेगा। प्यारे मित्रों, ये घटनाएं जब होती हैं तो मन को बहुत पीड़ा पहुंचती है। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं वीडियो पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube की एक प्राइवेसी है जिस वजह से नहीं शो कर सकता। थोड़ा सा आप रिकॉर्डिंग इसका सुन लीजिए। हेलो हेलो जी बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं कह रही हूँ हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इतना मेरा सर फाड़ दिया है, माँ बाप है नहीं सर हमारे। आप हमें अपना पहले पर्चा दे दीजिए। अच्छा मेरी 308 हो रही है, नहीं उसे गिरफ्तार करा जा रहा है, नहीं कुछ बहुत परेशान सुन लिया आपने कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या दर्द है लोगों? जल्द ही सर्वजन सनातन पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। सर्वजन सनातन पार्टी का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी।